हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSE ओडिशा का जो है प्लस टू का जो रिजल्ट है वो निकल के आ चुका है, और दोस्तों उसके जो बारे में आज हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। और दोस्तों आगे जो है आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप जो है CHSE ओडिशा का जो है प्लस टू का जो है रिजल्ट साइंस साइड हो गया या कॉमर्स वगैरह जो भी है, मतलब जो आप कैसे चेक कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको जो अभी तक जो आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, यूट्यूब पर दोस्तों पहली वीडियो होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो जो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मैं जो आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अपने जो है आपने सबसे पहले अपने कंप्यूटर में जो है गूगल क्रोम ओपन कर देना है, और सर्च बार में दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे जो है टाइप कर देना है CHSE ओडिशा रिजल्ट, ठीक है। देन आप जो है एंटर करोगे। दोस्तों सेम यही प्रोसेस आप जो है फोन में भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे आप CHSE ओडिशा रिजल्ट जो है आप यहाँ पे जो है टाइप करोगे, उसको एंटर करने के बाद आपको आपके सामने दोस्तों जो सबसे पहला लिंक आपको जो है देखने को मिलेगा यहाँ पे ओडिशा रिजल्ट श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है। तो दोस्तों आप जो है यहाँ पे इस लिंक पे आप जो है क्लिक करोगे, जैसे दोस्तों आप जो इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आप जो है यहाँ पे देख सकते हो ओडिशा रिजल्ट पोर्टल फॉर ओडिशा एग्जामिनेशन रिजल्ट जो है यहाँ पे NIC जो इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है। अब दोस्तों आपके सामने जो है आप जो है यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लिंक आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप जो है आपको जो है यहाँ पे डिसाइड करना, अगर आपको जैसे CHSE ओडिशा का जो है एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 साइंस साइट का अगर चेक करना है तो आपको जो है पहले वाले लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपको एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 कॉमर्स स्ट्रीम का जो है चेक करना है तो आपको दोस्तों यहाँ पे सिंपली दूसरे वाले जो है ऑप्शन जो आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों अगर आपको जैसे और कुछ चेक करना तो आप जो है आपके सामने यहाँ पे एक नीचे और लिंक दे रखा होगा श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय UP उपहास प्री एग्जामिनेशन 2023, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने जो है मैंने आपको जो है यहाँ पे लिंक आपको जो पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है समझा दिया है। तो दोस्तों आप जो है आप डिपेंड करता है आपको जो है कोई भी जो भी आपको चेक करना है जिस भी क्लास में जैसे आप पढ़ते हो जो भी साइट से आपको चेक करना है, तो जैसे मैं आपको जो एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे आपको साइंस साइट से करना है प्लस टू का तो आपको सिंपली पहले वाला जो लिंक आपको देखने को मिल रहा है आपको सिंपली यहाँ पे जो है क्लिक कर देना है। मैं दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली आपको जो है यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले दोस्तों आपको जो है यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है, उसका दोस्तों आपको जो है आपके पास 10 डिजिट का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और दोस्तों वो यहाँ पे डाल देना है। उसका दोस्तों आपको जो कैप्चर जो है सेम टू सेम दोस्तों आपको जो है यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे जो है सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप जो यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है आपका रिजल्ट जो है शो ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों अगर जैसे आप जो है यहाँ पे मैंने आपको जो है समझा दिया आप साइंस साइड का जो है इसके तरीके से मतलब इस थ्रू से जो है चेकआउट कर सकते हो। और दोस्तों आपको जैसे कॉमर्स की साइड से चेकआउट करना है तो आपको जो है फिर से वापस जो है बैक आ जाना होगा, आपको यहाँ पे जो है दूसरे वाले लिंक पे आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप दूसरे लिंक पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे जो है आप देख सकते हो यहाँ पे सेम प्रोसेस रहेगा। दोस्तों यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है आपको सबसे पहले, जैसे दोस्तों आप जो है यहाँ पे रोल नंबर डाल दोगे उसका दोस्तों सेकंड ऑप्शन होगा रजिस्ट्रेशन नंबर 10 डिजिट का, और दोस्तों ये कैप्चर कोड सेम टू सेम आपको जो है यहाँ पे फिल अप कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और उसके बाद दोस्तों आपका जो है रिजल्ट आपके सामने शो ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों सेम वही प्रोसेस, जैसे अगर आपको संस्कृत साइट वाला करना है चेक तो आपको जो है यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे देखने को मिले, इस पर आपको क्लिक करना है। और वही दोस्तों आप जो है यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा जो है चेंज हो गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको ऑनली जो है जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ पे डाल देना है, सेम वही अपना जो ये कैप्चर कोड होता है उसको यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे फिलअप कर देना है। और उसके दोस्तों आपको सिंपली यहाँ से जो है सबमिट कर देना है। तो दोस्तों आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छी लगेगी तो दोस्तों वीडियो मतलब अच्छी लगी हो तो वीडियो जो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों ऐसी वीडियो जो है लेटेस्ट जो है मतलब वीडियो जो है देखने के लिए आपको जो इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और चैनल के साथ में बेल आइकन में जो है प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी वीडियो जो है लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना टाइम, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।